उत्तरकाशी के उच्च प्राथमिक विद्यालय चेमर में शिक्षकों की लापरवाही से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल स्कूल में परीक्षा देने पहुंचे छात्र शिक्षकों के नहीं पहुंचने से बैरंग लौटाए। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। जानकारी पाकर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक पद्मेंद्र बिष्ट विद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने घटना की जानकारी ली। शिक्षकों के विद्यालय न पहुंचने और परीक्षा न होने की बात सत्य पाए जाने पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक और चार को निलंबित कर दिया गया। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चारों शिक्षकों के खिलाफ आरोप पत्र तय कर दिए गए हैं। पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए उप शिक्षा अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी, क्या कार्रवाई की गई सर आपके स्तर से शिक्षकों के ऊपर? नहीं, मुझे विद्यालय बंद होने का पता चला है। सच्चाई के पता चलने के बाद मैंने चारों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके अलग अलग ब्लॉकों में चार अलग अलग ब्लॉकों में अटैच कर दिया। उसके बाद जांच अधिकारी उप शिक्षा अधिकारी भटवाड़ी को बना डुंडा को बनाया गया है। तत्काल वो जांच करेंगे। आरोप पत्र उनको दे दिए गए हैं और आरोपों की सत्यता के अनुसार आगे की कार्रवाई। अवकाश पूरा होने के बाद भी शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचे थे और छात्रों की परीक्षा नहीं हो पाई, जिस आधार पर प्रधानाध्यापक समेत चारों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। अब इन सभी के निलंबित शिक्षकों को सचेत हो जाएंगे, क्योंकि सोचेंगे कि अगर स्कूल में समय से नहीं पहुंचेंगे तो हम सब पर भी कार्रवाई हो सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।